लेकिन सबसे बड़ा झटका उत्तर प्रदेश में, और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं मथुरा से तीसरी बार चुनाव मैदान में हेमा मालिनी जो बढ़त बनाए हुए हैं, दर्शन के बाद क्या कह रही है सुनते हैं। अभिषेक जी के घर में हूँ और इस वक्त बहुत अच्छा सा एक माहौल है यहाँ पर, और मुझे खुशी हो रही है कि हम बहुत अच्छी तरह से हमारी जीत हो रही है, तो मैं चाहूँगी कि पूरा देश का भी जीत हो जाए हमारी तरफ से, हमारी पार्टी की जीत हो जाए तो बहुत ही अच्छा हो जाएगा। दैट इज माई विश, इसी प्रार्थना के लिए मैं आई हूँ यहाँ। तो हेमा मालिनी को आप सुन रहे थे, तीसरी बार जीत की कगार पर खड़ी हुई है हेमा मालिनी, मथुरा की सीट जहां से 2014-2019 हेमा मालिनी ने जीत दर्ज की, और अब 2024 में भी हेमा मालिनी की जीत की राह उत्तर प्रदेश में आसान नजर आ रही है। वो 36 सीटें उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों में से जिन पर फिलहाल बीजेपी ने बढ़त बना रखी है, उनमें एक ये मथुरा वाली सीट भी है। लेकिन बीजेपी को दिक्कत उन बाकी सीटों पर है जहां इस वक्त जबरदस्त बढ़त इंडिया गठबंधन ने बना रखी है, और इनकी संख्या जो है वो 43 के आसपास है। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों में सबसे ज्यादा सीटें अपने खाते में लेकर जाती हुई फिलहाल नजर आ रही है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।